वो एक सुहानी शाम थी जब कोर्टनी अपनी छोटी बहन टैसा के साथ घर लौट रही थी। कार की विंडो से बाहर झांकती टैसा का चेहरा नजारे को देख खुशी से खिल उठा था। इतने में ही ड्राइव कर रही कोर्टनी का ध्यान कुछ पलों के लिए अपनी फोन की तरफ गया और उतने में ही उस घटना को हुए अब 9 साल बीत चुके थे। खुशकिस्मती से कोर्टनी की जान बच गई थी, लेकिन उसने अपनी बहन टैसा को हमेशा के लिए खो दिया था। कोर्टनी अब ट्रिनिटी इमैनुअल मेडिकल सेंटर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वो हॉस्पिटल में एक आम दिन था जब कोर्टनी हाल ही में एडमिट हुई एक फीमेल पेशेंट का चेकअप करने आई थी, जिसे आज ही दिल का दौरा पड़ा था। चेकअप करते वक्त कोर्टनी ने उस पेशेंट को बताया कि जब उसे दौरा पड़ा था तो कुछ मिनट के लिए उसकी धड़कनें थम सी गई थी और वो लगभग मौत की स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। कोर्टनी ने उस औरत से पूछा, क्या दिल की धड़कनें थम जाने के दौरान आपने कुछ भी देखा या महसूस किया था? लेकिन इससे पहले कि वो उस औरत का जवाब सुन पाती, बाकी मेडिकल स्टाफ वहां आ गए और उस औरत पर आगे के टेस्ट कराने उसे वहां से ले गए। दूसरी ओर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को एडमिट किया गया था, जो ऊंचाई से गिरने की वजह से कोमा में चला गया था। उस पेशेंट के एडमिट होते ही दो और मेडिकल स्टूडेंट रे और मार्लो उसका चेकअप करने पहुंच गए। रे काफी होनहार स्टूडेंट था और मार्लो हमेशा उससे कॉम्पिटिशन करती रहती थी। यहाँ भी वे दोनों पेशेंट को अपने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहते थे। इसी बात पर उन दोनों में नोक झोंक हो गई। उनकी लापरवाही के चक्कर में पेशेंट को दौरे पड़ने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर डॉक्टर्स ने उन दोनों को ही रूम से बाहर निकाल दिया। फिर उस रात कोर्टनी लाइब्रेरी में बैठी आफ्टर लाइफ यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन पर रिसर्च कर रही थी। क्या मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है? क्या स्वर्ग और नर्क जैसी भी कोई जगह होती है? कोर्टनी बड़ी ही दिलचस्पी से इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश में लगी थी। तभी उसे पीछे की डेस्क पर बैठी सोफिया की सिसकियां सुनाई दी। सोफिया भी कोर्टनी की ही कुलीग थी। कोर्टनी उसके पास गई और उससे उसके रोने की वजह पूछी। तब सोफिया ने रोते हुए उसे बताया कि उसकी माँ उस पर पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल रही थी कि सोफिया के लिए पढ़ी हुई बातें याद रखना भी मुश्किल हो गया था। वो टेंशन में ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। कोर्टनी सोफिया को शांत कराती हुई उसे लाइब्रेरी से बाहर ले आई और उसका दिल बहलाने के लिए उससे यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। उसने उसे पढ़ी हुई बातें याद रखने की कुछ ट्रिक्स भी बताई, जिससे सोफिया थोड़ी राहत महसूस करने लगी। कोर्टनी ने सोफिया को पढ़ाई से टाइम निकालकर अपने एक प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहा, जिसके लिए सोफिया भी बड़ी राजी खुशी मान गई। अगले दिन स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में बहुत से इमरजेंसी केसेस हैंडल करने थे, इसलिए वे जल्दी अपना लंच खत्म करने में लग गए। इसी दौरान कोर्टनी अपने एक कोलीग दोस्त जेमी के पास गई। जेमी एक रईस ज्यादा था, जिसे डॉक्टर बनने से ज्यादा लड़कियों से फ्लर्ट करने में दिलचस्पी थी। कोर्टनी ने उससे फ्लर्ट करती हुई उसे रात के वक्त बेसमेंट में मिलने के लिए बुलाया। ये सुनकर जेमी के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने खुशी से कोर्टनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फिर आधी रात को कोर्टनी सोफिया को लेकर हॉस्पिटल के बेसमेंट में बने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगी। वहां रखे ढेर सारे मेडिकल इक्विपमेंट को देखकर सोफिया ने पूछा, ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में कोर्टनी ने बताया, आज से 5 साल पहले ये सारे इक्विपमेंट्स यहाँ लाए गए थे ताकि अगर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ तो ऐसी स्थिति में इस बेसमेंट को हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। बातें करते हुए वे दोनों एक कमरे में पहुंचे जहां कोर्टनी कुछ इक्विपमेंट से पर्दा उठा रही थी कि तभी जेमी भी वहां पहुंच गया। कोर्टनी के साथ सोफिया को भी वहां देखकर जेमी हैरत में पड़ गया। सोफिया भी अचरज में थी कि आखिर कोर्टनी ने उन्हें यहां क्यों बुलाया है। सारे इक्विपमेंट्स सेट होते ही कोर्टनी ने उन्हें अपने इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, मैं बहुत समय से मौत के तुरंत बाद होने वाली दिमागी गतिविधियों पर रिसर्च कर रही थी। इस रिसर्च में मुझे पता चला कि मौत के तुरंत बाद इंसान के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन केवल इंसानी दिमाग में मौत के बाद भी 6 मिनट तक कुछ गतिविधियां चलती रहती हैं। कुछ लोग जो हार्ट अटैक जैसे केसेस में बच जाते हैं, वे बताते हैं कि दिल की धड़कनें रुकने के दौरान उन्होंने खुद को उड़ता हुआ महसूस किया, साथ ही उन्हें सफेद रोशनी भी नजर आई। मेरा मकसद भी यही पता लगाना है कि आखिर मौत के उन पलों में इंसान क्या देखता और महसूस करता है, और अगर हमने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि मौत के बाद भी जीवन का कोई अस्तित्व होता है तो हम दुनिया के पहले आफ्टरलाइफ स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। ये सुनकर जेमी और सोफिया की भी इस एक्सपेरिमेंट में दिलचस्पी बढ़ गई। इसके बाद कोर्टनी ने जेमी और सोफिया को निर्देश दिए कि वे डिफाइब्रिलेटर मशीन से शॉक देकर उसकी दिल की धड़कने रोक दें
और एक मिनट तक उसके दिमाग को स्कैन करने के बाद उसे वापस जीवित कर दें, ठीक वैसे ही जैसे एक हार्ट अटैक के पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट से जीवित किया जाता है। ये प्रोसेस सुनकर ही सोफिया की घबराहट बढ़ गई। उसे डर था कि वे कोर्टनी को वापस जिंदा नहीं कर पाएंगे और दिल की धड़कने रुकने से कोर्टनी का दिमाग भी डैमेज हो सकता है। इस पर कोर्टनी ने उसे बताया, दिमाग के सेल्स बिना ऑक्सीजन के भी 4 मिनट तक सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए अगर तुम लोग 4 मिनट के अंदर मुझे जीवित कर देते हो तो मेरी जान नहीं जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने पहले ही एक पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिस पर लिखा है कि मेरी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हालांकि कोर्टनी को यकीन था कि जेमी और सोफिया इमरजेंसी मेडिसिन में ट्रेंड हैं और वे उसे जरूर बचा लेंगे। उसने जल्दी से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया क्योंकि 45 मिनट में सफाई कर्मी वहां आने वाले थे। कोर्टनी ने खुद को प्रोपोफोल का इंजेक्शन लगाया और तुरंत बेहोश हो गई। उसे देख सोफिया ने तो डर के मारे अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन जेमी ने हौसला रखकर आगे की प्रोसेस शुरू कर दी। उसने कोर्टनी को MRI मशीन में भेजकर उसे शॉक दे दिया, जिससे कोर्टनी की दिल की धड़कने एक झटके से बंद हो गई। कोर्टनी मर चुकी थी। वहीं कोर्टनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद के शरीर से निकलकर आसमान की तरफ उड़ते हुए जा रही हो। अब वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ठीक ऊपर थी, जहां से वो पूरे शहर को देख सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर किसी मंजिल की तलाश में शहर का चक्कर लगा रही हो। देखते ही देखते 60 सेकंड पूरे हो गए और अब कोर्टनी के बताए मुताबिक जेमी और सोफिया ने उसे वापस जीवित करने की प्रोसेस शुरू कर दी। लेकिन हड़बड़ी में उन्हें वो प्रोसेस ठीक से याद नहीं आ रही थी और वो कोर्टनी को जिंदा करने में असफल हो गए। ये देख घबराहट के मारे सोफिया और जेमी के तन बदन में कंपकपी सी दौड़ उठी। सोफिया ने तुरंत रे को इमरजेंसी मैसेज भेजकर बेसमेंट में बुलाया। वो मैसेज पढ़ते ही रे अपनी पूरी तेजी के साथ बेसमेंट की तरफ भागने लगा। उसे भागते देख मार्लो भी परेशान हो उठी। थोड़ी ही देर में रे बेसमेंट पहुंच गया। सोफिया और जेमी ने उसे सारा मामला समझा दिया। रे तुरंत हरकत में आ गया। वो प्रोसेस को ठीक से फॉलो करते हुए कोर्टनी को बचाने की जद्दोजहद करने लगा। उधर कोर्टनी अचानक एक ब्रिज पर जा पहुंची, जहां पर अनगिनत सफेद और नीली रोशनियां उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उन्हें देख कोर्टनी खुशी से चहक उठी। कोर्टनी उस रोशनी की चकाचौंध में खोने ही वाली थी कि तभी रे के इशारा करते ही सोफिया ने कोर्टनी को एक पावरफुल शॉक दिया, जिससे कोर्टनी की धड़कनें वापस शुरू हो गई और वो गहरी सांसें लेती हुई जीवित हो उठी। ये देख जेमी, सोफिया और रे ने राहत की सांस ली। तब तक मार्लो भी रे को ढूंढती हुई वहां पहुंच गई। अब इससे पहले कि सफाई कर्मी वहां आते, वे चारों कोर्टनी को लेकर उसके घर आ गए। अब कोर्टनी बिल्कुल ठीक थी और अपने दोस्तों को अपने फ्लैट लाइनिंग का अनुभव बयान कर रही थी। फ्लैट लाइनिंग, इस एक्सपीरियंस को कोर्टनी ने यही नाम दिया था। कोर्टनी ने बताया कि ये उसके लिए काफी सुखद अनुभव था। वो जैसे जीवन के सारे बंधनों से मुक्त होकर उड़ती हुई छत की तरफ चली गई थी। उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि उसने हॉस्पिटल की सबसे ऊपरी मंजिल को भी देखा था, जबकि वो पहले कभी वहां गई ही नहीं थी। हालांकि वो सफेद रोशनियां क्या थी ये समझ पाना उसके लिए मुश्किल था। वो उन्हें प्योर एनर्जी की तरह महसूस कर रही थी। कोर्टनी की बातों ने मार्लो और सोफिया की भी इस एक्सपेरिमेंट में दिलचस्पी बढ़ा दी। इसी बीच जेमी ने कोर्टनी के ब्रेन स्कैनिंग की रिकॉर्डिंग रेडी कर ली थी। उन्होंने देखा कि कोर्टनी की मौत के कुछ सेकंड्स बाद उसके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेंट्रल टेगमेंटेड एरिया और अमेगडेला जैसे हिस्सों में बिजली सी चमकी थी। रे को ये एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक लग रहा था। उसने उन सबको ये एक्सपेरिमेंट यहीं रोक देने की हिदायत दी और वहां से चला गया। ये दिमागी गतिविधियां क्या बयान कर रही थी ये समझना कोर्टनी और उसके दोस्तों के लिए भी मुश्किल था, लेकिन फ्लैट लाइनिंग में जाने का अनुभव कोर्टनी के लिए किसी नशे की तरह था। उसका व्यवहार अचानक बदल गया। वो करीब 10 मिनट से खिड़की के पास बैठी कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी मार्लो उससे बात करने उसके पास गई, लेकिन उसी वक्त आश्चर्यजनक रूप से कोर्टनी को अपनी दादी की सालों पुरानी ब्रेड बनाने की रेसिपी याद आ गई थी। वो उठकर वहां से चली गई और पूरी रात जागकर ब्रेड बनाती रही। अगली सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर बैरी का लेक्चर था। वहां बैठे सारे डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स कोर्टनी के बनाए ब्रेड्स का आनंद ले रहे थे। मार्लो ने रे और जेमी को बताया कि कोर्टनी आज सुबह 19 किलोमीटर तक दौड़ी। ये सुनकर वो दोनों चकित रह गए। वे समझ गए कि धीरे धीरे कोर्टनी की शारीरिक और दिमागी क्षमताएं विकसित होती जा रही थी। उसके बाद क्लास में डिस्कशन शुरू हुआ। वहां सोफिया ने एक ऐसे पेशेंट का जिक्र किया जिसे ये भ्रम हो रहा था कि उसकी बहन के रूप में कोई और उसके साथ रह रहा है।
उस पेशेंट के ये सिम्टम्स बाकी स्टूडेंट्स के समझ से परे थे, लेकिन कोर्टनी ने तुरंत जवाब दिया कि ये कैपग्रास सिंड्रोम के लक्षण हैं। कोर्टनी का ये जवाब सुनकर उसके कलीग तो क्या, उसके प्रोफेसर तक चकित थे, क्योंकि ये सिंड्रोम कोर्टनी के सिलेबस में भी नहीं था। कोर्टनी ने बताया कि उसने इस सिंड्रोम के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। फ्लैट लाइनिंग में जाने के कारण कोर्टनी का दिमाग रिवायर हो गया था और हैरत अंगेज रूप से उसे सालों पहले पढ़ी और सीखी सारी बातें याद आ रही थी। उसी शाम कोर्टनी और उसके दोस्त जब एक रेस्टोरेंट में मिले तो वहां कोर्टनी ने उन्हें पियानो की सुरीली धुन सुनाकर चकित कर दिया, जबकि वो 12 साल बाद पियानो बजा रही थी। कोर्टनी के सारे दोस्तों को फ्लैट लाइनिंग एक्सपेरिमेंट सफल होता दिख रहा था। अब उन सब ने भी ठान लिया था कि वे भी बारी बारी से फ्लैट लाइनिंग में जाकर कोर्टनी की तरह अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ाएंगे। लेकिन रे, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वो इस पागलपन भरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनकर अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो उनका साथ छोड़कर चला गया। फिर उसी रात कोर्टनी अपने घर पर आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। जब वो पीछे पलटी तो उसने देखा कुछ देर पहले बाथटब का जो पर्दा खुला था वो अब अपने आप ही बंद हो गया था। कोर्टनी को लगा कि ये सिर्फ उसके मन का वहम होगा, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पर्दा खोलकर बाथरूम से बाहर निकल ही रही थी कि उसे फिर से पर्दे के सरकने की आवाज आई। कोर्टनी घबरा गई। उसने जब वापस बाथरूम में जाकर देखा तो अब वो पर्दा पूरी तरह टूटकर बाथटब में ही गिर गया था। डरी सहमी कोर्टनी उस पर्दे को हटाने बाथटब की तरफ बढ़ने लगी कि तभी वो डरकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जब उसने वापस पलट कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था और सब कुछ अपनी जगह पर आ चुका था। शायद वो उसका वहम होगा, ये सोचकर कोर्टनी ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के बेसमेंट में जेमी की सांसें थम गई थी। वो भी अपनी दिमागी क्षमता बढ़ाने के इरादे से फ्लैट लाइनिंग में जा चुका था। जेमी बाइक पर एक लड़की के साथ सफर कर रहा था। उसका मन खुशी और उत्साह से भर आया था। वहीं असली दुनिया में रे भी अपने दोस्तों की मदद करने वापस आ गया, क्योंकि जेमी ने फ्लैट लाइनिंग में जाने से पहले उसे एक्सपेरिमेंट में शामिल होने की गुजारिश की थी। फ्लैट लाइनिंग में वो लड़की जेमी को एक सुनसान पड़े शहर के बीच ले आई। तभी जेमी को किसी बच्चे के चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने एक घर की ओर इशारा किया और वो हवा में कहीं गायब हो गई। जेमी उसका इशारा समझने की कोशिश करता, उससे पहले ही रे और उसके दोस्तों ने मिलकर जेमी को वापस जिंदा कर दिया। इस तरह उन्होंने एक और सफल फ्लैट लाइनिंग एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। बस फिर क्या था, इस कामयाबी के बाद वे लोग जश्न और शराब के नशे में डूब गए। इसी तरह उनकी रात मस्ती मजाक करते हुए गुजर गई। अगली सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर एक पेशेंट को जिंदा देख हैरान थी। उस पेशेंट को बहुत ही गंभीर दौरा पड़ा था और उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन जेमी ने उसे सही समय में सही दवाई देकर बचा लिया था। क्योंकि फ्लैट लाइनिंग में जाने के कारण जेमी के दिमाग की भी कुछ खास क्षमताएं विकसित हो गई थी। वो इतराक कर खुद को भगवान कहता हुआ इमरजेंसी वार्ड से बाहर आया। तभी मार्लो ने नोटिस किया कि कोर्टनी और जेमी दिमाग की अलग अलग क्षमता का इस्तेमाल कर रहे थे। जहां कोर्टनी अपनी पुरानी से पुरानी यादों को आसानी से याद कर सकती थी, तो वहीं जेमी बिना ज्यादा सोच विचार किए कोई भी निर्णय सटीकता से ले सकता था। अपने दिमाग की खूबियां जानकर जेमी का मन उत्साह से भर आया। तभी उसके दोस्तों के वहां से जाते ही जेमी को अचानक एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी उसे घूरती हुई नजर आई। ये वही लड़की थी जिसे जेमी ने अपने फ्लैट लाइनिंग के दौरान देखा था। इतने में ही एक नर्स ने जेमी को एक इमरजेंसी केस के लिए बुलाया। जेमी जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा तभी अचानक वो लड़की वहां से गायब हो गई। ये देख कर जेमी को आश्चर्य तो हुआ, पर वो उसे केवल मन का वहम मानकर अपने काम पर चला गया। अब फ्लैट लाइनिंग एक्सपीरियंस करने की अगली बारी मार्लो की थी। आधी रात के वक्त सारे लोग बेसमेंट में तैयार थे, लेकिन सोफिया अब तक वहां नहीं आई थी। दरअसल जब सोफिया घर से निकल रही थी तभी उसकी माँ ने उसे पढ़ाई करने के लिए जबरदस्ती घर पर ही रोक लिया था, इसलिए उन लोगों ने सोफिया के बिना ही फ्लैट लाइनिंग की प्रोसेस शुरू कर दी। मार्लो ने रिस्क उठाते हुए उनसे खुद को 3 मिनट के बाद जिंदा करने के लिए कहा, ताकि वो फ्लैट लाइनिंग में ज्यादा समय गुजार कर अपनी अधिक से अधिक मेमोरी रिस्टोर कर सके। कुछ ही क्षणों बाद कोर्टनी के उसे शॉक देते ही मार्लो की धड़कनें थम गई और एक तेज रोशनी के साथ उसे अपने बीते हुए कल की झलकियां दिखाई देनी शुरू हो गई। उसे बचपन से लेकर अब तक सीखी हुई सारी स्किल्स दोबारा याद आ गई। पोलो में मेडल जीतने से लेकर चेलो बजाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने तक उसकी सारी यादें ताजा होने लगी।
अगले ही पल वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी, तभी अचानक उसे पूल की सतह पर खून से मर्डरर लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसे देख मार्लो भयभीत हो उठी। देखते ही देखते वो हॉस्पिटल में पहुंच गई, जहां उसने एक पेशेंट को देखा जिसके चेहरे पर जेलीफिश ने डंक मार दिया था। जेलीफिश का जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। पलक झपकते ही मार्लो समंदर की गहराइयों में ढेर सारी जेलीफिश से घिर चुकी थी। उधर दूसरी ओर मार्लो को फ्लैट लाइनिंग में गए अब 3 मिनट बीत चुके थे। ये देख रे, कोर्टनी और जेमी उसे जीवित करने का हर संभव प्रयास करने लगे। अंत में कोर्टनी ने मार्लो की बॉडी को शॉक दिया, लेकिन बदकिस्मती से मार्लो जिंदा ही नहीं हुई, बल्कि वो फ्लैट लाइनिंग में एक अजीब से खाली कमरे में पहुंच गई, जहां उसके सामने किसी की कफन में लिपटी लाश रखी हुई थी। मार्लो उसे देख बुरी तरह डर गई। इतने में ही मार्लो के दोस्तों ने उसे जीवित कर दिया और तुरंत उसे बिल्डिंग की छत पर ले आए। किसी रेल की भांति तेज चलती मार्लो की सांसें अभी सामान्य भी नहीं हुई थी कि तभी सोफिया वहां आई और उसने उसी वक्त फ्लैट लाइनिंग में जाने का ठान लिया। वो जितनी जल्दी हो सके अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ाकर अपनी माँ की टॉर्चर से मुक्ति पाना चाहती थी। हालांकि कोर्टनी ने उसे बताया कि कुछ ही देर में सफाई कर्मी बेसमेंट में आने वाले हैं, जिससे उनके खुफिया एक्सपेरिमेंट का भांडा फूट सकता है, लेकिन सोफिया किसी भी हाल में फ्लैट लाइनिंग में जाना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने रिस्क उठाते हुए सोफिया को उसी वक्त फ्लैट लाइनिंग में भेज दिया। अगले ही क्षण सोफिया को विजन आने शुरू हो गए। उसने देखा कि उसकी माँ उसे पढ़ाई के लिए कितना सताया करती थी। इसी दौरान फ्लैट लाइनिंग के बाहर सोफिया के दोस्तों को बेसमेंट में आते हुए किसी की आहट सुनाई दी। उसे सुनकर वे लोग उसी वक्त सोफिया को जिंदा करने की जद्दोजहद में लग गए। इसी बीच जेमी ने जब आगे जाकर देखा तो 2 सफाई कर्मी उन्हीं की तरफ आ रहे थे। अब मुसीबत उनके गले पड़ चुकी थी। दूसरी ओर फ्लैट लाइनिंग में सोफिया अपने स्कूल की उस बीती घटना को देख रही थी, जब इरीना नाम की एक लड़की ने एग्जाम में टॉप किया था और सोफिया सेकंड आई थी। सोफिया को उससे जलन होने लगी थी, इसलिए सोफिया ने इरीना के फोन को हैक करके उसकी निर्वस्त्र तस्वीरें पूरे क्लास में शेयर कर दी, जिससे इरीना को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। इसी बीच फ्लैट लाइनिंग के बाहर जेमी ने सफाई कर्मियों का ध्यान भटकाने के लिए फायर अलार्म शुरू कर दिया। इतने में ही कोर्टनी ने सोफिया की बॉडी को शॉक दिया, जिसके बाद फ्लैट लाइनिंग में अचानक सोफिया को इरीना की गुस्से से भरी भयानक शक्ल दिखी और इसी के साथ वो जिंदा हो गई। सोफिया के दोस्त तुरंत उसे लेकर पार्किंग में पहुंचे और मार्लो की कार में वहां से भागने लगे। रास्ते में जेमी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। वे लोग गार्ड से बचते हुए बैरिकेड तोड़कर हॉस्पिटल से भाग निकले। अपनी सफलता का जश्न मनाने वे सीधे एक रेव पार्टी में जा पहुंचे। फ्लैट लाइनिंग को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मान चुके उन 5 दोस्तों की खुशी 7वें आसमान पर थी, पर उन्हें क्या पता था कि ये कामयाबी ही एक अभिशाप बनकर उनकी जिंदगी में जहर घोलने वाली थी। डांस करते करते अचानक कोर्टनी को वहां उसकी बहन टैसा की एक झलक दिखी। कोर्टनी उसका पीछा करने लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एकाएक टैसा उसकी नजरों से ओझल हो गई। अगले ही पल रात ढलकर वहां दिन निकल आया और कोर्टनी ने खुद को उस जगह पर बिल्कुल अकेला पाया। कोर्टनी ने अपने सामने अपनी 9 साल पहले क्रैश हो चुकी कार को देखा। वो दबे पांव उस कार की तरफ बढ़ी और जैसे ही खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो उसे टैसा की पानी में डूबी हुई लाश दिखाई दी। तभी डरकर कोर्टनी पीछे हट गई और एक बार फिर पार्टी की चकाचौंध में आ गई। इस खौफनाक घटना ने कोर्टनी के दिमाग को झिंझोड़ कर रख दिया था। वो उसी वक्त पार्टी छोड़कर भाग खड़ी हुई। उधर दूसरी ओर सोफिया को फ्लैट लाइनिंग से लौटने के बाद तीव्र कामो उत्तेजना का एहसास होने लगा था। वो जेमी को अपने घर ले आई और अपनी माँ की मौजूदगी में ही उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने लगी। सारी कसर निकल जाने के बाद जेमी सोफिया की मॉम को हेलो बोलकर अपने घर चला गया। उसके बाद सोफिया ने अपनी चिड़ी हुई माँ को साफ बता दिया कि वो अब 25 साल की हो चुकी है और अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर जी सकती है। ये सुनकर उसकी माँ भी निशब्द रह गई। इसी दौरान दूसरी ओर रे मार्लो को उसके घर छोड़ने आया था। मार्लो को मन ही मन कोई बात सताए जा रही थी। उसने रे को घर के अंदर बुलाया और कहा, मैंने किसी की हत्या की है। ये सुनकर रे भौचक्का रह गया। मार्लो ने आगे बताया, 2 महीने पहले हॉस्पिटल में साइरस नाम का एक पेशेंट एडमिट हुआ था, जिसके चेहरे पर जेलीफिश ने डंक मार दिया था। आगे चलकर उसकी मौत हो गई। सबको लगा कि वो सदमे की वजह से मरा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल मैं उस दिन 36 घंटों से ड्यूटी पर थी और थक चुकी थी। मैंने जल्दबाजी में साइरस से ये पूछा ही नहीं कि कहीं उसने पहले से कोई और मेडिसिन तो नहीं लिया था।
और ये पूछे बिना ही मैंने अनजाने में उसे एपी और बेनेड्रिल का डोज लगा दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि साइरस ने पहले ही बीपी की दवाई खा रखी थी। बेनेड्रिल और बीपी की दवाई एक साथ शरीर में मौजूद होने से साइरस की बॉडी में साइड इफेक्ट हुआ और वो दम घुटने से मर गया। इस बात ने रे को संकोच में डाल दिया। उसने मार्लो से पूछा, लेकिन ये राज तुम मुझे क्यों बता रही हो? इस पर मार्लो ने उससे कहा, फ्लैट लाइनिंग में मैंने साइरस की लाश देखी थी। मुझे डर है कि जरूर ये किसी आने वाले खतरे का संकेत है। मुझे बेहद डर लग रहा है। इस पर रे ने उसे समझाते हुए कहा, देखो तुमने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया था, वो गलती से हुआ था, और गलती तो हर किसी से होती है। रे की दिलासा देने से मार्लो के दिल को थोड़ी राहत मिल गई। इस तरह वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दूसरी ओर जेमी भी अपने सेल बोट पर पहुंच गया। वो बोट ही उसका घर थी। जेमी अपने कपड़े चेंज कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे फिर से वही लड़की दिखी जिसे उसने फ्लैट लाइनिंग में देखा था। वो बेड पर लेटी लगातार रोए जा रही थी। इतने में ही उसका रेडियो अपने आप शुरू हो गया जिससे जेमी का ध्यान भटका और एकाएक वो लड़की उसकी नजरों से ओझल हो गई। वो कुछ समझ पाता तभी उसे सोफे से आती किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने झट से सोफे के सारे कुशन निकाल फेंके और सोफे को खोलकर अंदर देखा तो कपड़े से लिपटा एक नवजात बच्चा लगातार रोए जा रहा था। कांपते हुए हाथों से जब उसने उस कपड़े को हटाया तो उसे वहां कोई बच्चा नहीं मिला। इतने में ही उसे कोर्टनी का कॉल आया। कोर्टनी ने जेमी को रोते हुए ये बताया कि उसे उसकी मरी हुई बहन दिखाई दे रही है। ये सुनकर जेमी घबरा गया और तुरंत कोर्टनी के घर की तरफ निकल पड़ा। तब तक उधर कोर्टनी अपने घर पहुंच चुकी थी। घर में उसे लगातार किसी के चलने की आहटें सुनाई देने लगी। वो रोती हुई कोने में बैठ गई और अपने दोस्तों के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगी। मेरा ये फ्लैट लाइनिंग एक्सपेरिमेंट विज्ञान या किसी नई खोज के लिए नहीं था, बल्कि असली वजह तो ये थी कि मैं टैसा को भुला नहीं पा रही थी और उससे एक बार मिलकर माफी मांगना चाहती थी। फ्लैट लाइनिंग एक्सपेरिमेंट मेरे लिए आफ्टर लाइफ में जाकर टैसा की आत्मा से मिलने का एक जरिया था, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका नतीजा इतना खौफनाक होगा। कोर्टनी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ही रही थी कि तभी उसे एक कमरे से रोशनी नजर आई। कोर्टनी डरी सहमी उस कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक रेडियो पर अपने आप ही नर्सरी राइम बजनी शुरू हो गई। अगले ही पल जब कोर्टनी ने कमरे के अंदर देखा तो एक पल के लिए कोर्टनी का जैसे कलेजा ही सुन्न पड़ गया। टैसा उस कमरे में बैठी खुद की और कोर्टनी की ड्राइंग बना रही थी। कोर्टनी अपनी आंखों में आंसू लिए टैसा को पुकारती हुई उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी टैसा ने अपनी ड्राइंग आग के हवाले कर दी और अगले ही पल कोर्टनी को घूर कर देखा। उसकी बदले की आग से भरी भयानक आंखें देख डर के मारे कोर्टनी अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागने लगी, लेकिन टैसा उसका रास्ता रोके खड़ी हो गई। तब कोर्टनी फायर एग्जिट से बाहर निकलकर सीढ़ियों से भागने लगी, लेकिन टैसा ने उसे वहां भी घेर लिया। अब कोर्टनी एक दूसरी खिड़की से घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी टैसा ने उसे धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया, जिससे कोर्टनी की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ देर बाद जेमी कोर्टनी के घर पहुंचा, लेकिन कोर्टनी से कोई जवाब न मिलने पर वो वापस लौट गया। अगली सुबह कोर्टनी के दोस्तों को डॉक्टर बैरी से कोर्टनी की मौत की खबर मिली, जिसे सुनकर उन सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कोर्टनी की अचानक मौत उन सबके लिए एक रहस्य बनकर रह गई थी। एक तरफ जहां सोफिया और मार्लो का रो रोकर बुरा हाल था, तो वहीं रे को डर था कि पुलिस कोर्टनी की मौत की तहकीकात जरूर करेगी। अगर पुलिस को पता लगा कि वे सभी कोर्टनी के साथ मिलकर फ्लैट लाइनिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन सबका करियर चौपट हो जाएगा। हालांकि बाकी लोगों ने रे को इस मामले से दूर रखने का वादा किया, क्योंकि रे इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बना था, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में रे ने अपने दोस्तों का साथ देना ही ठीक समझा। फिर उसी रात रे और जेमी कोर्टनी के घर से उसका लैपटॉप और वो सारे नोट्स उठा लाए जिसमें फ्लैट लाइनिंग के सबूत थे, ताकि वो सबूत पुलिस के हाथों में न पड़े। लेकिन उन्हें अब भी कोर्टनी का फोन नहीं मिला था जिसमें सबसे अहम सबूत थे। अब जेमी ने मार्लो को फोन किया और उसे मुर्दा घर जाने को कहा जहां कोर्टनी की लाश और उसकी लाश से मिला सामान रखा था, और वहां जाकर कोर्टनी का फोन ढूंढने को कहा। मार्लो उसी वक्त मुर्दा घर में पहुंच गई और उसने कोर्टनी का नंबर डायल किया। खुशकिस्मती से वही एक ड्रॉअर में रखा कोर्टनी का फोन बज उठा। मार्लो ने तुरंत वो फोन निकाल लिया। वो वापस लौटने ही वाली थी कि तभी एकाएक कमरे की लाइट चली गई। मार्लो को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत फोन का फ्लैशलाइट जलाकर जब अपने आसपास देखा
तो डेड बॉडी स्टोरेज के सारे दरवाजे खुले हुए थे। उसे देख मार्लो भयभीत हो उठी। तभी उसके पीछे एक और लाशों से भरा स्टोरेज खुल गया। मार्लो घबराई हुई पीछे मुड़ी ही थी कि तभी साइरस की भयानक शक्ल देख मार्लो चीखती हुई भागने लगी। लेकिन तभी अगले ही पल वहां की लाइट जल पड़ी और वो रूम दोबारा पहले जैसा हो गया। उधर दूसरी ओर जेमी अपने सेल बोट पर नहा रहा था, तभी अचानक उसे बोट पर किसी का साया नजर आया। जेमी ने जब बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए टेबल पर रखा चाकू उठाना चाहा, तभी एकाएक वहां की बिजली गुल हो गई और एक फुसफुसाहट भरी आवाज में किसी ने उसका नाम पुकारा, जेमी। जेमी सहम गया और उसने चाकू उठाना चाहा, पर अब चाकू वहां से गायब था। अगले ही पल अचानक वही लड़की फिर से जेमी के सामने आ खड़ी हुई, जो फ्लैट लाइनिंग से निकलने के बाद अब जेमी को हर जगह नजर आ रही थी। जेमी डर के मारे भागता हुआ बोट से बाहर निकल आया, लेकिन वो लड़की एक बार फिर उसके पीछे आ खड़ी हुई। जेमी हड़बड़ाहट में पानी में जा गिरा और तैरता हुआ डॉक पर जा पहुंचा। उसने जैसे ही ऊपर चढ़ने के लिए डॉक पर हाथ रखा, तभी किसी ने उसके हाथ में चाकू घुसा दिया। जेमी की दर्दनाक चीख ने रात के उस सन्नाटे में खलबली मचा दी। कुछ समय बाद जेमी अपने बाकी दोस्तों से मिला, जहां वे कोर्टनी के फोन पर उसके मरने से पहले रिकॉर्ड किया वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो से साफ पता चल रहा था कि कोर्टनी किसी अदृश्य शक्ति से डर रही थी। मार्लो ने सहमी हुई आवाज में कहा, हो न हो ऐसा कि आत्मा ने ही कोर्टनी की जान ली है, और मुझे डर है कि हमने अपने जिन बुरे कर्मों को फ्लैट लाइनिंग में देखा था, वे अब हमारी जान लेने फ्लैट लाइनिंग से बाहर आ चुके हैं। ये सुनते ही सबने अपने बुरे कर्म एक दूसरे को बताने शुरू कर दिए। जैसे कि सोफिया ने उसकी क्लासमेट इरीना के साथ बुरा किया था, तो मार्लो के गलत दवाई देने की वजह से साइरस मारा गया था। वहीं जेमी ने बताना शुरू किया, कुछ साल पहले अलिसिया नाम की एक लड़की मेरे डैड के क्लब में वेट्रेस का काम करती थी। मैंने गलती से उसे प्रेग्नेंट कर दिया। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अलिसिया को पैसे देकर अबॉर्शन में उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जब अलिसिया अबॉर्शन करने के लिए राजी नहीं हुई तो मैं उससे पीछा छुड़ाकर उससे दूर चला आया। मैंने फ्लैट लाइनिंग में अलिसिया को ही देखा था, और अब अलिसिया किसी साय की तरह मेरा पीछा कर रही है। कुछ देर पहले उसी ने ही मेरे हाथ पर चाकू भी मारा। हालांकि रे को ये सारी घटनाएं केवल अंधविश्वास लग रही थी। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि फ्लैट लाइनिंग की वजह से जेमी और मार्लो को हेलुसिनेशन होने लगे हैं, क्योंकि अलिसिया तो अभी मरी भी नहीं थी, तो फिर भला वो भूत कैसे बन सकती थी। और रही बात टैसा की, तो कोर्टनी को टैसा का दिखना भी केवल हेलुसिनेशन ही था। इस पर जेमी ने कहा, पहले मुझे भी ये हेलुसिनेशन ही लग रहे थे, लेकिन कोर्टनी के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि फ्लैट लाइनिंग की वजह से हमने शायद किसी अनजान शक्ति के धरती पर आने का रास्ता खोल दिया है, और वो अनजान शक्ति हमारे ऐसे कर्मों के रूप में आकर हमें मार रही है जिसके लिए हम खुद को दोषी मानते हैं। ये सुनकर वे सभी भयभीत हो उठे। उन्होंने तय किया कि इससे पहले किसी और की जान जाए, उन्हें पता लगाना होगा कि ये अनजान शक्ति आखिर है क्या जो उनका शिकार कर रही है। उस रात हॉस्पिटल में सोफिया लेक्चर खत्म करके जब क्लास से बाहर कॉरिडोर में आई तो उसने देखा कि वहां चारों ओर घुप सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी कॉरिडोर के एक कोने से उसे लगातार फुसफुसाहट भरी आवाजें आने लगी। सोफिया डरकर लिफ्ट की तरफ भागी। लिफ्ट तक पहुंचकर वो रुक गई। उसने पलटकर फिर से उस आवाज की ओर देखा। उसी पल एक लड़की का साया उसके पीछे से लिफ्ट में जा घुसा। ये वही लड़की इरीना थी जिसकी चैट और गंदी तस्वीरें सोफिया ने स्कूल में शेयर कर दी थी। इस बात से अनजान सोफिया भी उसी लिफ्ट में चली गई। उसके अंदर आते ही लिफ्ट अपने आप ही बंद हो गई और सोफिया को लेकर तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगी। डर के मारे सोफिया के हाथ पैर कांपने लगे। तभी लिफ्ट एकाएक रुक गई और जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सोफिया ने देखा कि वो उसी क्लास में पहुंच चुकी थी जहां कई साल पहले उसने इरीना का कंप्यूटर हैक करके उसे बदनाम किया था। उसे देख सोफिया का दिलो दिमाग सुन पड़ चुका था। इतने में ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा और सोफिया डरकर जैसे ही पीछे हटी वो एकाएक लिफ्ट से बाहर निकल आई। उसने आसपास देखा तो वो उसी कॉरिडोर में थी, लेकिन इस बार उस कॉरिडोर में चहल पहल थी। अपने दोस्तों की तरह अब सोफिया भी सच और छलावे के जाल में उलझ चुकी थी। शाम को मार्लो जब अपने घर पहुंची तो रे वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल आज रे ने उस पेशेंट साइरस की ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक की थी जो मार्लो की गलती की वजह से मर चुका था। लेकिन जब उसने वो रिपोर्ट देखी तो उसे पता चला कि मार्लो ने अपनी गलती छुपाने के लिए साइरस की वो रिपोर्ट बदल दी थी।
जिसकी वजह से सबको लगा कि साइरस शॉक की वजह से मर गया। अब रे चाहता था कि मार्लो हॉस्पिटल के डीन को सच्चाई बताकर अपनी गलती का पश्चाताप करे। हो सकता है ऐसा करने पर उसे साइरस की बुरी यादों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन मार्लो ने कहा कि वो एक मरे हुए इंसान के लिए अपने करियर को दांव पर नहीं लगाना चाहती। रे को मार्लो से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो नाराज होकर वहां से चला गया। मार्लो तो अपने फैसले पर अड़ी रही, लेकिन उसके विपरीत सोफिया और जेमी ने अपनी गलती का पश्चाताप करने का फैसला किया। सोफिया ने इरीना को ढूंढकर उससे माफी मांग ली। हालांकि इरीना उस पर गुस्सा तो थी, लेकिन उसने सोफिया को माफ कर दिया। जेमी ने मार्लो को भी अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए कहा और बताया कि अगर उनके दिल में किसी भी बात का पछतावा नहीं होगा तो शायद वे सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद जेमी ने अलिसिया को ढूंढ निकाला। उसका बेटा अब बड़ा हो चुका था। जेमी ने अलिसिया से पूरे दिल से माफी मांगी और वो अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार था। उसी रात मार्लो अपने कमरे में बैठी आफ्टर लाइफ पर रिसर्च कर रही थी। तभी पलक झपकते ही वो अपने कमरे से एक वीरान जगह पर जा पहुंची। उसके सामने कफन में एक लाश रखी थी। मार्लो ने डरते हुए उस लाश से कफन हटाया तो वो साइरस की लाश थी। इसी के साथ वो उस भयानक सपने से जाग गई। जागते ही वो अपनी कार लेकर पूरी रफ्तार से कहीं जाने लगी। तभी अचानक साइरस मार्लो की कार के बैक सीट पर आ गया और एक प्लास्टिक से उसका दम घोटने लगा। इसी जद्दोजहद में मार्लो ने एक कैफे में ही कार घुसा दी, लेकिन अगले ही पल साइरस वहां से गायब हो गया। मार्लो घबराकर तुरंत वहां से भाग निकली। इसी दौरान उधर हॉस्पिटल में रे को मार्लो का मैसेज आया। मार्लो ने रे से माफी मांगते हुए कहा था कि वो सब कुछ ठीक करने जा रही है। वो मैसेज देख रे परेशान हो उठा। और तो और अब मार्लो का फोन भी बंद आ रहा था। रे ने तुरंत जेमी और सोफिया को भी ये खबर कर दी और मार्लो को ढूंढने में लग गया। तभी रे को हॉस्पिटल के पार्किंग में मार्लो की कार दिखी। वो समझ गया कि मार्लो क्या करने वाली है। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा। इतने में ही सोफिया ने भी रे को ढूंढ लिया। वे दोनों जब बेसमेंट में पहुंचे तो देखा कि मार्लो फिर से फ्लैट लाइनिंग में जा चुकी थी। बदकिस्मती से उसे गुजरे हुए 4 मिनट बीत चुके थे। ये देख रे और सोफिया बेचैन हो उठे और मार्लो को जिंदा करने का हर संभव प्रयास करने लगे। वहीं मार्लो फ्लैट लाइनिंग में ये सोचकर साइरस के पास आ गई थी कि डीन को सच बताकर अपना करियर बर्बाद करने के बजाय अगर वो साइरस से ही माफी मांग लेगी तो उसके सिर से साइरस की मौत का बोझ उतर जाएगा। लेकिन साइरस पर उसकी माफी का कोई असर नहीं हुआ। उसने मार्लो की गर्दन ही दबोच ली और उसे मारने की कोशिश करने लगा। उधर दूसरी ओर अब जेमी भी बेसमेंट में पहुंच गया और रे और सोफिया के साथ मिलकर मार्लो को जिंदा करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच फ्लैट लाइनिंग में साइरस मार्लो को बांधकर एक अंधेरे कमरे में ले गया और उसे पानी में डुबो दिया, जिससे मार्लो की सांसें रुक गईं। वहीं दूसरी ओर मार्लो के दोस्त अब उसे जिंदा करने में नाकाम हो चुके थे। उन्होंने मार्लो को बचा पाने की सारी उम्मीदें खो दी थी। लेकिन रे मार्लो को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने मार्लो के सीने पर एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया। एड्रेनलिन एक इमरजेंसी मेडिसिन है जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स को दिल की धड़कन वापस लाने के लिए दी जाती है। इंजेक्शन लगाते ही फ्लैट लाइनिंग में मार्लो होश में आ गई और पानी से बाहर निकल आई। लेकिन अचानक कोई अनजान शक्ति मार्लो को अंधकार की ओर खींचने लगी। मार्लो अंधकार के छोर तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसके सामने अचानक कोर्टनी प्रकट हो गई। कोर्टनी ने मार्लो को समझाया कि भले ही अनजाने में उससे साइरस की मौत हुई है, लेकिन उसे खुद को माफ करके आगे बढ़ना होगा। ये कहकर कोर्टनी एक रोशनी की ओर लौट गई। कोर्टनी की बात मानकर मार्लो ने अपने दिलो दिमाग से साइरस की हत्या का दोष मिटा दिया। इतने में ही दूसरी ओर रे के मार्लो की बॉडी को शॉक देते ही खुशकिस्मती से वो जीवित हो उठी। ये देख रे जेमी और सोफिया की जान में जान आ गई। अब मार्लो जेमी और सोफिया को भी यकीन हो गया कि जिसे वे भूत समझ रहे थे असल में वो उनका हेलुसिनेशन ही था। दरअसल फ्लैट लाइनिंग में जाने के बाद उनके दिमाग के जिन हिस्सों में बिजली चमकी थी वो हिस्से एक्टिवेट हो गए थे। इन हिस्सों में शामिल थे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसके एक्टिवेट होते ही उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बूस्ट हो गई। दूसरा हिस्सा था वेंट्रल टैगमेंटेड एरिया, जिसके एक्टिवेट होते ही उनकी पुरानी से पुरानी यादें भी ताजा होने लगी, जिनमें उनके बुरे कर्मों की यादें भी शामिल थी, वो यादें जिन्हें उन्होंने अपने अंदर दबाए रखा था। और तीसरा हिस्सा था एमिग्डेला, जो हमारे इमोशन जैसे कि डर और एग्रेशन को कंट्रोल करता है। इस हिस्से के एक्टिवेट हो जाने से वो इमोशन भी बढ़ गए, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनके बुरे कर्मों की यादें भूत के रूप में डराने लगी। पर अब जब उन्होंने प्रायश्चित करके इन बुरी यादों से छुटकारा पा लिया था
तो उनका हेलुसिनेशन भी खत्म हो गया। हालांकि कोर्टनी अंत तक खुद को टैसा की मौत के लिए माफ नहीं कर पाई थी, इसलिए टैसा का बुरा स्वरूप उसके दिलो दिमाग में इस कदर हावी हो गया था कि टैसा के हेलुसिनेशन ने कोर्टनी की जान ही ले ली। उस दिन के बाद मार्लो ने हॉस्पिटल के डीन को साइरस के मौत की सच्चाई बताकर अपनी गलती का पश्चाताप किया। हालांकि इससे मार्लो का करियर बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि उसे नए सिरे से ट्रेनिंग करने का मौका मिला। उसके बाद उसने कोर्टनी का लैपटॉप नदी में फेंक कर फ्लैट लाइनिंग का आखिरी सबूत भी मिटा दिया। अंत में चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट में मिले, जहां उन्होंने कोर्टनी की याद में जाम से जाम टकराए। अब उन सभी को ये बात समझ आ चुकी थी कि बुरे कर्म करके केवल माफी मांग लेना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी गलती का पश्चाताप करके खुद को माफ करने से ही बुरे कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइबर बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।